हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मैक्सिकन लीग के मैच के बारे में, जो गाइस खेला जाएगा यहाँ से पाचोका और कैरुज एजुल के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो गाइस, इस वीडियो में इन दोनों टीमों के हर एक प्लेयर्स के बारे में फुल डिटेल्स में हम बात करेंगे। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और ध्यान से देखना, ओके। तो अब हम नज़र डालते हैं सीधे इन दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल पर। और हाँ दोस्त, इस मैच की जो फाइनल टीम रहेगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने टॉप के कॉमेंट में और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, ओके। तो अब हम नज़र डालते हैं सीधे इन दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल पर। तो गाइस, पाचोका मैक्सिकन लीग में फिलहाल के टाइम पर फर्स्ट पोजीशन पर है। वहीं पर बात करें कैरुज एजुल फिलहाल के टाइम पर फोर्थ पोजीशन पर है। तो गाइस, दोनों टीमों की जो पोजीशन है वो काफ़ी शानदार है। तो गाइस, अब बात आती है कि इन दोनों टीमों में से हम किस टीम को अपनी ड्रीम इलेवन टीम के लिए एक फेवरेट टीम मान चले। तो गाइस, मैं फिलहाल के लिए पाचोका को ही एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। क्यों? क्योंकि ये इस लीग के फिलहाल के टाइम पर टॉप बेस्ट टीम भी है, प्लस ये मैच इस टीम के होम ग्राउंड में, और ये टीम जब भी अपना होम ग्राउंड मैच खेलती है या तो मैच को विन करती है या मैच को ड्रॉ खेलती है, लेकिन मैच को जल्दी से लॉस नहीं करती। तो इसीलिए मैं पाचोका को एक फेवरेट टीम मानकर चलता हूँ। लेकिन गाइस, हम बात करेंगे जब ये दोनों टीमें आपस में हेड टू हेड मैचेस खेलती हैं तो किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इन दोनों टीमों की ओर से। तो गाइस, इन दोनों टीमों के बीच में लास्ट पांच हेड टू हेड मैच खेले गए, जिनमें से पाचोका ने अभी तक इस टीम के सामने एक भी मैच विन नहीं किया, बल्कि दो मैच ड्रॉ खेले हैं, तीन मैच लॉस किए हैं। अटैकिंग वाइज 0.4 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस से 1 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहने का मतलब, पाचोका ने इस टीम के सामने पाँच मैच खेले जिनमें से सिर्फ दो ही मैच में इस टीम ने गोल किया है, और इस टीम के सामने सिर्फ 1 गोल पर मैच स्कोर कंसीड करने के एवरेज गोल कंसीड किया। तो परफॉर्मेंस देखा जाए तो अटैकिंग वाइज डाउन है, लेकिन डिफेंस थोड़ा सा एवरेज देखने को मिलता है। जल्दी से ये दोनों टीमें आपस में गोल नहीं कर पाती, एक लो स्कोरिंग मैच देखने को मिलता है। अब गाइस, बात करें जो पिछला मैच इन दोनों टीमों के बीच में हुआ, वो मैच कैरुज एजुल ने अपने होम ग्राउंड में इस टीम के सामने 1-1 से मैच को ड्रॉ खेला, लेकिन उससे मुकाबले पाचोका इस टीम के सामने 2-1 से मैच को लॉस कर गई। और एक मैच कैरुज एजुल ने इस टीम के सामने अपना होम में खेला और उस मैच को भी कैरुज एजुल ही विन कर गई, और उससे मुकाबले इन दोनों टीमों के बीच में एक डिफेंस वाइज मैच ड्रॉ खेला गया और पाचोका के सामने फिर से ये टीम मैच को 1-0 से विन कर गई। तो परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो कैरुज एजुल का इस टीम के सामने काफी शानदार है, अटैक से लेकर डिफेंस तक। लेकिन रिसेंटली अगर मैच देखा जाए, दोनों टीमों ने बराबर खेला, दोनों टीमों ने सेम गोल कंसीड किया, सेम ही गोल स्कोर किया। और लेकिन अगर देखा जाए तो फर्स्ट हाफ में पाचोका ने ही इस मैच में पूरी तरह पोजीशन रखी हुई थी कैरुज एजुल के होम ग्राउंड में। तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हो कि उस मैच को पाचोका को विन करना था, लेकिन कैरुज एजुल उस मैच को ड्रॉ खेल गई। तो परफॉर्मेंस यहाँ से मैं मान चलता हूँ कि पाचोका आज का मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करेगी और इस टीम के सामने आज अपना पहला मैच विन करेगी, ओके। तो इसीलिए हम नज़र डालेंगे इन दोनों टीमों जो करंट फॉर्म है उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल के टाइम पे जो परफॉर्मेंस है, एक बार उस पर नज़र डालते हैं। तो गाइस, पाचोका ने करंटली खेले हैं 6 मैच, जिनमें से इस टीम ने 5 मैच विन करे हैं, सिर्फ एक मैच ड्रॉ खेला, लॉस अभी तक किया नहीं है। अटैकिंग वाइज 2.5 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस 0.8 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहने का मतलब, ये टीम प्रत्येक मैच में कम से कम तो एक, और कभी कभी तो ये टीम पर मैच में 2 या 3 गोल तो ऑन एन एवरेज कर ही देती है, लेकिन डिफेंस ये टीम प्रत्येक 2 मैच में सिर्फ 1 ही गोल कंसीड करती है, वो भी एक बेहतर टीम के सामने, हल्की टीम के सामने इतनी टीम गोल तक कंसीड नहीं करती। तो परफॉर्मेंस अटैक से लेकर डिफेंस तक, मैच को विन करने से लेकर मैच को ड्रॉ खेलने तक, तो काफ़ी शानदार है पाचोका का, और इसीलिए मैं इस टीम को एक फेवरेट टीम मानकर चला हूँ। अब बात करें जो पिछला मैच पाचोका टोलुका के सामने 3-0 से मैच को विन कर पा रही है, अटैक से 3 गोल तो किए लेकिन डिफेंस से गोल कंसीड नहीं किया, और उसके मुकाबले एटलस के सामने टीम 1-0 से मैच को विन कर गई, अटैकिंग वाइज फिर से 1 गोल के लेकिन डिफेंस से गोल तक कंसीड नहीं किया। उसके मुकाबले मजार्टलिन के सामने टीम अपने होम में खेली और 3-1 से मैच को विन कर गई, अटैकिंग वाइज फिर से इस टीम ने 3 गोल के लेकिन डिफेंस सिर्फ 1 ही गोल कंसीड किया, और उसके मुकाबले क्लब अमेरिका जो कि काफ़ी शानदार टीम, और उस टीम के सामने टीम 3-1 से विन की है, और एक मैच इस टीम ने 2-2 से मैच को ड्रॉ खेला है, और एक मैच इस टीम ने नेकाक्स के सामने 3-1 से विन किया। तो परफॉर्मेंस देखा जाए शानदार है अटैकिंग वाइज, और डिफेंस उसे बेहतर, ये टीम जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती। अब बात आती है कैरुज एजुल जो करंट फॉर्म उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल के टाइम जो परफॉर्मेंस है, एक बार हम उस पर भी नजर डालते हैं। तो गाइस, कैरुज एजुल ने करंटली 6 मैच खेले, 2 मैच विन, 2 मैच ड्रॉ, 2 मैच लॉस, अटैकिंग वाइज 1.3 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस से भी 1.5 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहने का मतलब, अटैक से लेकर डिफेंस तक, मैच को विन करने से लेकर मैच को ड्रॉ और लॉस करने तक, तो इक्वली परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इस टीम की ओर से। अब गाइस, बात करें जो पिछला मैच मॉन्टेरियल के सामने टीम 1-1 से मैच को ड्रॉ खेल कर आ रही है, और उससे फिर मुकाबले ये टीम 2-1 से मैच को विन की है, और उससे फिर मुकाबले ये टीम 1-0 से विन की है, और दोनों मैच इस टीम ने अपने होम में खेले हैं और दोनों मैच को इस टीम ने विन किया। लेकिन जब भी ये टीम अवे में खेलती है तो कहीं ना कहीं इस टीम का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा डाउन देखने को मिलता है, और उसके मुकाबले ये टीम 3-1 से
अपने होम में ही लॉस कर गई और एक मैच इस टीम ने 2-2 से मैच को ड्रॉ खेला और फिर ये मैच 2-1 से संतोष लगुना के सामने लॉस कर गई। तो परफॉर्मेंस देखा जाए तो इस टीम ने थोड़ी थोड़ी हल्की टीम के सामने भी इसने लॉस किया है और बेहतर एवरेज टीम के सामने इस टीम ने मैच को ड्रॉ खेला और अपने लेवल की टीम के सामने इसने मैच को विन किया। तो परफॉर्मेंस थोड़ा सा उल्टा देखने को मिलता है इस टीम की ओर से। तो गाइस अब बात आती है अब इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या होना चाहिए हमारे समोलो टीम क्रिएट करने के लिए ड्रीम इलेवन पर। तो गाइस सबसे पहले हमने इन दोनों टीमों के पॉइंट टेबल पर नजर डाली, फिर इन दोनों टीमों के हेड टू हेड मैचेस पर नजर डाली, फिर इन दोनों टीमों के रीसेंट फॉर्म पर भी नजर डाली। अगर हम इन तीनों फॉर्मेट को एक साथ कंपेयर भी कर ले कि कौन सी टीम का बेहतर परफॉर्मेंस रहा इन तीनों फॉर्मेट में, तो गाइस पॉइंट टेबल अकॉर्डिंग तो पांचों की जो पोजीशन है वो काफी शानदार है और थोड़ी सी हल्की देखने को मिलती है कैरिज एजल की। और हेड टू हेड का अकॉर्डिंग देखा जाए तो पांचों का इस टीम के सामने दो मैच विन मतलब ड्रॉ जरूर खेले लेकिन अभी तक मैच लॉस मतलब विन नहीं किया, लेकिन कैरिज एजल का परफॉर्मेंस हेड टू हेड में अच्छा है। लेकिन रिसेंट फॉर्म का अकॉर्डिंग देखा जाए तो पांचों का इस टीम मतलब रिसेंटली काफी शानदार परफॉर्मेंस कर रही है और कैरिज एजल का जो परफॉर्मेंस थोड़ा सा एवरेज देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी बेहतर टीम आपको पांचों का ही देखने को मिलेगी रिसेंट फॉर्म पॉइंट टेबल अकॉर्डिंग और हेड टू हेड का अकॉर्डिंग। तो इसीलिए मैं पांचों का फेवरेट टीम मानकर चलता हूं। तो फाइनल गाइज अब बात आती है अब इस मैच की स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए। तो गाइज मैं मान चलता हूं पांचों का कम से कम इस मैच में दो गोल तो आराम से कर देगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कैरिज एजुल का थोड़ा सा डिफेंस डाउन है और एक गोल शायद इस मैच में आपको कैरिज एजुल भी हुई नजर आ सकती है। तो क्यों? क्योंकि पांचों का कहीं ना कहीं बेहतर टीम सामने गोल कंसीड कर देती है। तो इसलिए मैं मान के चलता हूं इस मैच की स्कोर लाइन प्रेडिक्शन अभी के लिए 2-1 है और 2-1 के प्रेडिक्शन के अनुसार ही हम अपने ड्रीम इलेवन टीम क्रिएट करने वाले हैं ड्रीम इलेवन पर। उससे पहले हम बात भी करेंगे इन दोनों टीम के प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो हम नजर डालेंगे सबसे पहले पांचों के प्लेयर्स के बारे में, फिर हम नजर डालेंगे कैरिज एजुल के जो प्लेयर्स उनके बारे में कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो नजर डालते हैं पांचों के प्लेयर्स के बारे में। उससे पहले अगर आप बिल्कुल नए हो आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्यों? क्योंकि इसी तरह के मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो इस YouTube चैनल पर लाते रहता हूं और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और इसमें जो फाइनल टीम रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने टॉप के कमेंट में और इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। लेकिन याद रहे यार सर्च करके आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ टॉप के कमेंट में और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसी से आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। ओके बात करते हैं सीधे मुद्दे के प्लेयर वाइज की कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो नजर डालते हैं पांचों के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस पांचों का टीम तरफ से रिसेंटली जो हाईएस्ट गोल टेकर निकोलस इबानेज जो कि रिसेंट फॉर्म काफी अच्छी है और पेनल्टी भी इस टीम तरफ से यही लेता, तो एक मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ड्रॉप करने की बिल्कुल मत सोचना। विक्टर गुजमान इस टीम तरफ से रिसेंटली दो मतलब 6 गोल कर चुका, तो इसको भी मैं एक इंपॉर्टेंट प्लेयर मानूंगा। ओके यहां से हर्टाडो है जिसने 4 गोल किए हैं और लुइस चावेस है जिसने 4 गोल किए लेकिन एक गोल पेनल्टी में, कब? जब यहां से निकोलस इबानेज उस मैच में खेले नहीं थे। ओके बाकी यहां से जितना और भी प्लेयर्स हैं उन सभी का भी आपके सामने रिकॉर्ड भी है, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब यहां टॉप प्लेयर है वो टॉप तीन तो है ही, इनको तो टीम में ट्राई करके चलना ही चलना। अब बात आते हैं इस टीम तरफ से कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए, तो नजर डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी। तो गाइस असिस्ट में हम देखा जाते हैं एरिक सांचेज जो कि गोल प्लस असिस्ट दोनों में कंट्रीब्यूट है, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, डिफेंसिव पॉइंट भी अच्छा देता। विक्टर गुजमान जो कि इस टीम तरफ सेकंड हाईएस्ट गोल टेकर, सेकंड हाईएस्ट असिस्ट टेकर है। लुइस चावेज जो कि गोल प्लस असिस्ट दोनों में पोटेंशियल रखता है। बाकी जितने और भी प्लेयर्स उन सभी का भी आपके सामने रिकॉर्ड है, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके यहाँ जो टॉप प्लेयर है वो भी आपको सामने फिर से देखने को मिलेंगे, उनको आप अपनी टीम में ट्राई करके चल लेना। अब बात आती है जो सेकंड टीम उसके जो प्लेयर्स उनके बारे में कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए, तो नजर डालते हैं कैरिज एजुल के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस कैरिज एजुल टीम तरफ फिलहाल टाइम जो हाईएस्ट गोल टेकर सांटियागो गिमेनेज इस टीम तरफ से 6 गोल निकाल चुका, एक मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहेगा हाईएस्ट गोल टेकर इस टीम तरफ से। ब्रायन एंगुलो जो कि रिसेंट फॉर्म थोड़ा सा बेहतर है और यहाँ जॉन स्कोबोर जो कि रिसेंटली इसने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया, प्लस पेनल्टी में भी इसने रिसेंटली मैच में ही गोल किया है। रॉबर्टो अल्वाराडो इस टीम तरफ से 4 गोल निकाल चुका, बाकी कार्लोस रोड्रिगो जिसने 3 गोल किए, बाकी जितने और भी प्लेयर्स हैं उनका भी आपके सामने रिकॉर्ड है, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेकिन जोनाथन रोड्रिगो और जॉन स्कोबोर, अगर जोनाथन रोड्रिगो 90 मिनट खेलेगा तो हाई चांस रहेंगे कि जोनाथन रोड्रिगोज ही इस टीम तरह से फर्स्ट चॉइस पेनल्टी लेगा। ओके बाकी यहाँ से बैकअप में यहाँ से आपको जॉन देखता मतलब लेते हुए नजर आएगा, बाकी का आप सामने रिकॉर्ड भी है, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बात आती है इस टीम तरह से कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए, तो नजर डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर। तो गाइस असिस्ट में हम देखा जाए जॉन स्कोबार जो कि रिसेंटली 4 गोल 3 असिस्ट निकाल चुका, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे। कार्लोस रोड्रिगोज 3 असिस्ट निकाल चुका, एरन टूना ने भी 2 असिस्ट निकाले, बाकी जितने और भी प्लेयर्स हैं सभी का भी आप सामने रिकॉर्ड है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब यहाँ जो टॉप प्लेयर है उनको मैंने राइट का टिक कर दिया, उन्हें आप हम टीम में ट्राई करके चल लेना। ओके तो अब बात आती है इस मैच की स्कोर लाइन प्रेडिक्शन के अनुसार क्या रहनी चाहिए इसमें जो हमारे शमोली टीम है ड्रीम इलेवन पर, तो नजर डालते हैं इस मैच का अकॉर्डिंग ड्रीम इलेवन की टीम पर। उससे पहले यार अगर आपने बिल्कुल नए हो और नए नए आपने हमारे इस यूट्यूब
यूट्यूब चैनल को देखा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके तो चलिए देखते हैं इस मैच की क्या रहेगी टीम। तो गाइस गोलकीपर में अगर बात की जाए तो दोनों टीमों को जो अटैकिंग वाइज परफॉर्मेंस अगर बेहतर देखा जाए तो पाचुगा का बेहतर अटैक है, तो इसलिए मैं जेएसएस कोरोना को टीम में ट्राई करूँ क्योंकि इसके पास ज़्यादा चांस रहेंगे गोल सेव करने के। अब वो बात अलग है यहाँ से उस्तारी इस मैच में पेनल्टी विन कर जाए या क्लीन शीट मतलब पाचो को इस मैच में ज़्यादा शॉट ऑन टारगेट ना रखे, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रेडिक्शन अगर देखा जाए तो जेएसएस कोरोना ही बेहतर गोलकीपर देखने को मिलेगा। बात करें डिफेंडर में, केविन अल्वारोज एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, मैं इसको बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करूँगा। जुआन स्कबोर इसको भी मैं अपनी टीम से बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करूँगा, तो ये दो प्लेयर ऐसे हैं जिनको मैं ड्रॉप करने की कोशिश नहीं करूँगा। ओके यहाँ से आपके सामने गुस्टावो कैब्रल है, इनको भी मैं अपनी टीम से बिल्कुल ड्रॉप नहीं करूंगा। अब मैं मान चला हूँ इस मैच में दोनों तरफ गोल होंगे तो मुझे लगता है कि तीन ही डिफेंडर बेहतर रहेंगे, बाकी को मैं ज़्यादा सजेस्ट करूंगा नहीं। अगर आपको पिक करना था यो मोरिनो है, एक रिसेंटली परफॉर्मेंस इसका अच्छा है, गोल प्लस इस दोनों में कंट्रीब्यूट है, तो इनको भी टीम में ट्राई करके चल सकते हो। बाकी को मैं ज़्यादा सजेस्ट किसी को मतलब किसी भी प्लेयर को टीम में ज़्यादा नहीं करने वाला। ओके तो बात करें मिडफील्ड में, तो यहाँ से मेरी जो फर्स्ट चॉइस रहेगी कार्लोस रोड्रिगोज है, लुइस चावेस है और यहाँ से विक्टर गुजमान है, तो इन तीन प्लेयर को अभी के लिए हम पिक करके चले हैं। और यहाँ से मैं ज़्यादा प्लेयर को सजेस्ट करूँगा नहीं क्योंकि अगर ये खेलेंगे भी तो इतना 90 मिनट तक खेलने का चांस ही नहीं है। तो एरिक सांचेज एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है क्योंकि इसने असिस्ट पोटेंशियल और गोल पोटेंशियल हाई है, तो इनको टीम में रख सकते हो और डिफेंसिव पॉइंट भी काफ़ी अच्छा खासा दे जाता है, तो रख सकते हो इनको, लेकिन अभी के लिए मैं इनको ड्रॉप ही करके चला हूँ। बाकी को मैं ज़्यादा किसी भी प्लेयर को सजेस्ट नहीं करूँगा। बात करें सेंटर फॉरवर्ड में, निकोलस इवानेज और यहाँ से मैं पिक कर चलूँगा सांटियागो गिमेनेज, ये इस टीम तरफ से दोनों प्लेयर मोस्ट वैल्यूएबल हैं, रिसेंटली इन्होंने नहीं अच्छा परफॉर्मेंस किया। अब यहाँ से आपके सामने क्रेडिट नहीं बचेगा अच्छे खासे प्लेयर को पिक करने के लिए, लेकिन मेरे पास क्रेडिट बचा है एंगुलो को, एंगुलो इस टीम तरफ से सेकंड हाइस्ट गोल टेकर है, तो इनको ही मैं टीम में ज़्यादा सजेस्ट करूँगा। अब आप चाहे तो यहाँ से हर टोडा को पिक कर सकते हो, एंटोना को पिक कर सकते हो, लेकिन मैं इतना ज़्यादा सजेस्ट इनको करूँगा नहीं क्योंकि इनका इतना बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिला नहीं है। तो बात करें कैप्टन प्लस वाइस कैप्टन, अगर आपको लॉस अगर मैच लगे तो जॉन स्कोवर को टीम का कैप्टन बना लेना और वाइस कैप्टन मोरिना को रख सकते हो, लेकिन अगर आपको लगे नहीं ये मैच काफ़ी हाई स्कोरिंग जाएगा तो उस कंडीशन में कैप्टन होना चाहिए निकोलस और वाइस कैप्टन मेरे हिसाब सांटियागो, इनको बना सकते हो। लुइस चावेस को मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन विक्टर गुजमान एक अच्छा प्लेयर हो सकता है, लेकिन मेरा जो वाइस कैप्टन अभी के लिए सांटियागो गिमेनेज है। तो इस तरह की मेरी टीम है, ये सिर्फ रिकॉर्ड को बेस के अनुसार टीम है, लेकिन जो आफ्टर लाइन प्लेयर की पोजिशन वाइज की कौन सा प्लेयर कौन सी पोजिशन पर खेलेगा उसके अनुसार जो फाइनल टीम रहेगी वो आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने टॉप के कमेंट और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। अब यहाँ जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जिनको कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो उसको मैं आपके सामने टीकी कर रहा हूं और उन्हें आप हम टीम में एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन और एज ए प्लेयर के तौर पर तो पिक करके चलना ही चलना। ओके तो इनको हम टीम में रख सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने के लिए अपना ख्याल रखना और हमें अपनी दुआ में याद रखना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी करते हो जाना। टेक केयर लव।